आपके दिल में पवित्र प्रेम, आत्मश्रद्धा यानी कि खुद पर श्रद्धा, ईश्वर पर श्रद्धा, सच्चाई और ईमानदारी अगर है तो आपको कुदरत कहाँ से क्या दे देता है समझ में भी नहीं आता है। दोस्तों, एम के फ्लेक्सीपैक अहमदाबाद गुजरात से मैं मुकुंद परमार आपका स्वागत करता हूँ। आज ही हम आपको आसाम के कस्टमर की एक स्टोरी बताते हैं। आसाम तीनसुखिया में और हम बैठे हैं हम गुजरात अहमदाबाद में, और इनका ये 10 रुपये का रोल आप देख रहे हैं। 10 रुपये का रोल, 250 ग्राम 500 ग्राम के 6 साइड गैजेट पाउच, और सर्विस देने के लिए हम क्या करते हैं वो इंटरनेट उन्होंने देखा। देखने के बाद उनको ये रोल, 3 प्रोडक्ट के ऑर्डर थे उसमें से 10 रुपये का रोल हमने अर्जेंट था तो ये पहले पे दिया। 4,250 रुपये उन्होंने एडवांस पेमेंट भेजा, फिर काम स्टार्ट किया, डिज़ाइन बनाया सिलेंडर और ये 10 रुपये का रोल बना के उनको भेजा। 250 और 500 ग्राम का 6 साइड का आगे बात करते हैं, लेकिन उनको हमने भेजा तो उनका रिएक्शन देख के जो आनंद मिला आप सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम आनंद शर्मा है और मैं आसाम से। आपसे यूँ पता है आसाम किस चीज़ के लिए फेमस है, आसाम इज फेमस फॉर टी। तो मैंने एक स्टार्टअप करने का सोचा, तो सोचा कि चाय पत्ती का बिजनेस करता हूँ तो अपने ब्रांड बनाकर, तो अपने ब्रांड बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, उसके बाद प्रिंटेड लेमिनेटेड पाउच चाहिए। तो मैं फिर इंटरनेट में सर्च करने लग गया, तो मुझे यूट्यूब में मिला एमके फ्लेक्सीपैक, तो उनके सारे वीडियोस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कांटेक्ट किया उन्हें, कांटेक्ट करने के बाद मेरी बात मीत भैया से हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया सब इसके बारे में और बोला कि डिज़ाइन रेडी करके प्रिंटिंग स्टार्ट कर देते। बट मुझे ऐसा था कि वहाँ पर जाके विजिट करना था, देखना था कैसे क्या होता है। तो मैं एक दिन अहमदाबाद के लिए निकल गया, अहमदाबाद निकला, एम के फ्लेक्सीपैक में विजिट किया, वहाँ पे मीत भैया से मिला, बहुत अच्छे से समझाया, पूरे फैक्ट्री दिखाया, बहुत कुछ हेल्प भी किया भैया ने। उसके बाद बस मैं आ गया और वहाँ पे डिटेल सारा दे दिया मैंने, डिज़ाइन हो गया रेडी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मेरा ये पाउच है, ये फिलहाल अभी 10 रुपये वाला है, 250 ग्राम आधा किलो का भी है, और जहाँ तक मैंने जो सोचा था उससे भी कई ज़्यादा अच्छा पाउच बना के दिया भैया ने। मटेरियल बहुत अच्छा है, थिकनेस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब तो मुझे विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी कुछ अलग अलग पाउच बनाना पड़ेगा तो मैं अब तो बैठे बैठे यहाँ से हो जाएगा, 100% ट्रस्ट कर सकते हैं आप। और ऐसा नहीं कि मैं विजिट नहीं करूँगा अहमदाबाद, जरूर आऊँगा मीत भैया से मिलने और अहमदाबाद घूमने। थैंक यू। ये है आज की युवा शक्ति की पावर। देखा, ये मतलब एज लड़की की आप देखिए, मतलब आनंद की, आनंद शर्मा, ये GF आनंद चाय निकला। ये उम्र में आदमी सोचता है कि कैसे ग्रो करना है, उसके लिए यहाँ पर अहमदाबाद आते हैं। मेरे सन से मीत, ये नीचे नंबर जो है वो मेरे सन का मीत का नंबर लिखा हुआ है, और मिलते हैं और काम करते हैं, पैसा भेज दिया। और हमारा जिम्मेदारी होता है, हम क्या क्या करते हैं जब इंटरनेट से कस्टमर आता है और यहाँ पर नहीं है, वो दूर है, और फिर भी हम काम कैसे करते हैं, ये आपको ये वीडियो में पूरा समझाएंगे। 14 मिनट का वीडियो है टोटल, शांति से देखिए। और धीरज, धीरज एक गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिजनेस के लिए। अच्छा बिजनेस डेवलप करना है तो पेशेंस होना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज़ को समझेंगे। ये 500 ग्राम और 250 ग्राम का जो 6 साइड गैजेट का पाउच है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उनको पहले रोल भेजा था क्योंकि अर्जेंट था, और उसके बाद ये 250 ग्राम का और 500 ग्राम का जो उनका 6 साइड गैजेट का पाउच बना है, आप देखिए उसकी प्रिंटिंग की सुंदर क्वालिटी। ये सुंदर क्वालिटी कैसे आती है वो आगे हम आपको बताते हैं कि उसके लिए हम क्या क्या मेहनत करते हैं। ये देखिए पाउच, ये साइड में, इधर, पीछे, आगे, क्वालिटी। हमारा इम्पोर्टेंस, हमारा फोकस जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी पे होता है, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे होता है, और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही हमारा फोकस रहता है, टारगेट रहता है। और इसलिए हमने बोला कि जो पवित्र प्यार होता है वो आपके बिजनेस के अंदर होना चाहिए। आपके अंदर पवित्रता होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए, तब। क्योंकि इंटरनेट पे ये रोल देखिए, प्रिंटिंग की क्वालिटी आप देखिए, ये 6 साइड होता है तो उसकी स्टाइल अलग होती है, उसका सिलेंडर अलग स्टाइल से बनता है, और उसका सेपरेशन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट है। वैसे आपको डिज़ाइन बनानी है, अगर आपके पास डिज़ाइनर नहीं है तो हम भी यहाँ पर आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं और डिज़ाइन बनवा सकते हैं, उसके चार्जेस अलग होते हैं। उसके बाद
डिज़ाइन बनने के बाद सेकंड स्टेज में सिलेंडर बनते हैं और थर्ड स्टेज में बाद में प्रिंटिंग, लेमिनेशन, स्लिटिंग वगैरह। आज हम आपको उल्टा पूरा पूरा दिखाएंगे, पहले जैसे रोल का और फिर उनका आनंद शर्मा का आपको बात सुनाया कि क्या उन्होंने रिव्यू दिया। ये रिव्यू के बाद ये उनके 250-500 ग्राम के और पूरा उल्टा हम आज चलेंगे और प्रिंटिंग लास्ट में दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हम क्या मेहनत करते हैं आपके लिए। इंटरनेट से आप ऑर्डर देते हैं, आप हमारे पास नहीं हैं, आपका लोकेशन बहुत दूर है। ये देखिए शानदार क्वालिटी दिख रही है ना पाउच, आप इतने दूर होने के बावजूद हमारा प्रोडक्ट है ये GF आनंद का जो है वो हमारा है, ऐसा करके हम करते हैं। ये प्रिंटिंग होने के बाद ये हम ऐसे लेमिनेट करके एक सैंपल निकाल के देखा, ये प्रिंटिंग के सैंपल है। ये प्रिंटिंग के सैंपल निकालने के बाद कलर में, अब ये जो कलर लिया हुआ है वो कलर प्रिंटिंग में ऐसा होता है कि लेमिनेशन होने के बाद कलर का चेंजेस आता है, तो वो चेंजेस हम कस्टमर को यहाँ से दिखा सके। देखिए लेमिनेट किया, सिर्फ ट्रायल सैंपल के लिए लेमिनेट किया, जो लेमिनेशन चल रहा था तो उसका उसके साथ, वो एक टेक्निक होती है कैसे किया जाता है। तो ये प्रिंटेड, ये 12 माइक्रोन पॉलिएस्टर पर प्रिंट हुआ है। ये प्रिंट होने के बाद इसको लेमिनेट करके हमने ये पाउच बना के कस्टमर को वीडियो से और ये फोटोग्राफी से दिखाया कि भी देखो कैसा दिख रहा है। ये मीत और आनंद ने दोनों ने मिल के किया और ये वीडियो में फाइनल कि भी कौन सा कलर, ये लाइट डार्क, कैसा अच्छा है कैसा नहीं है, क्या पसंद है, एक दूसरे को समझ के, क्योंकि मिले तो मेंटालिटी समझ लिया और मेंटालिटी समझे, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान किए, तब एक दूसरे को समझने के बाद उनको आनंद शर्मा को ये सेटिस्फेक्शन मिला है मीत से। तो यही होता है, अगर आपके अंदर सच्चाई है, दिल में पवित्रता है, तो आप कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करते हैं। ये सैंपल हमने ये मेटलाइज करके देखा कि ये लेमिनेशन होने के बाद कैसे दिखेगा और एक प्रोटोटाइप पाउच बनाया, पाउच बना के देखा कि ये कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये पाउच बनाने के बाद भी पहले ये जैसे मैन्युअली बनाया था, ये मैन्युअली बना के लेमिनेशन फाइनल हुआ तो उसका मैन्युअल बना के उसके बाद ये पूरा गैजेट आगे, ये जब मशीन में स्टार्ट होता है तो आगे पीछे होता है, ये सैंपल है और ये फाइनल बनने के बाद ये है फाइनल पाउच। ये देखिए उसकी आकर्षकता, उसका निखार, उसकी चमक, उसकी शाइनिंग, उसका ग्लोसीनेस, यही होता है। और गैजेट, तो गैजेट में परफेक्शन, सीलिंग ऊपर नीचे और उसके बाद हम इसको चाय पैक करके, ये देखिए कैसा दिखता है, यही होता है। कस्टमर भले कितना भी दूर हो, आप आसाम में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, नॉर्थ ईस्ट में बैठे हो या बिहार में बैठे हो, झारखंड में बैठे हो, कहीं पर भी हो, कोलकाता में हो, कहीं पर भी हो, हम पूरा यहाँ पर चेक करके परफेक्ट हम सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद हम आपको भेजते हैं। ये पूरा तैयारी हमारे यहाँ होता है। ये लेमिनेशन प्रिंटिंग का लास्ट में वीडियो दिखाएंगे, ये लेमिनेशन जब करते हैं तो ये पॉलिएस्टर प्रिंट के बाद 12 माइक्रोन पॉलिएस्टर फिल्म, ये प्रिंटिंग होने के बाद उसका 12 माइक्रोन मेटलाइज फिल्म के साथ लेमिनेशन होता है और लास्ट में LD फिल्म के साथ लेमिनेशन होता है। ये देखिए लेमिनेशन का पॉलिएस्टर, ये बहुत बार आप देख चुके हैं और इसमें जो परफेक्शन होता है वो गमिंग, बॉन्डिंग और ये एवरीथिंग हमने आपको पहले भी बताया था बॉन्डिंग क्या होता है। तो ये पॉलिएस्टर फिल्म 12 माइक्रोन और मेटलाइज 12 माइक्रोन, अगर आपको 3 लेयर बनवाना है तो ये 3 लेयर में 12 माइक्रोन पॉलिएस्टर फिल्म जो प्रिंटिंग होती है और 12 माइक्रोन मेटलाइज फिक्स होता है, उसके बाद जो चेंज होता है वो LD का, उसकी वजह से थिकनेस प्लस माइनस होती है, कितने ग्राम आप पैक करने वाले हैं उससे थिकनेस डिसाइड होती है। और 2 लेयर है, 3 लेयर है, साइज है, सबकी साइज भी आजकल अलग अलग होती है, स्टेट वाइज अलग अलग होती है। तो अगर आपको ये आपका पाउच बनवाना है तो आपको साइज़ भी हमें देनी पड़ती है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई भी किसी कॉम्पिटिटर का आप पाउच उठा लीजिए, आगे का और पीछे का फ़ोटो भेजिए और उसकी साइज़, विड्थ और लेंथ हमें बताइए, तो हम आपको कुछ कॉस्ट बता सकते हैं। और कॉस्ट की जब बात आती है तो कॉस्ट से बिजनेस नहीं होता, कॉस्ट से आपका अप्रोक्सीमेट आता है कि भाई ये कॉस्ट पड़ेगी, आपको मार्केट में कैसे टिकना है, कैसे करना है, क्या वगैरह वगैरह वगैरह, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो डिसाइड की जाती है। कई लोग हमें कॉल करते हैं सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट, रेट रेट, अगर रेट से ही करना है तो क्या हम सस्ता देंगे तो आप हमें ऑर्डर दे देंगे, ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पे काम करता है। अगर इसकी कॉस्ट भी निकालनी है तो 5 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला आपको 2 लेयर लेना है या 3 लेयर बनवाना है। ये 3 लेयर का जो हो रहा है
तो ये आप डिसाइड करके बता सकते हैं। दूसरा, उसकी साइज़ क्या है। ये देखिए, सिलेंडर बनते हैं तो ये दो अप में बने हुए हैं, तो दो अप में उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, वो सब डिसाइड किया जाता है। तो आपको पाउच की साइज़ बतानी है। ये टोटल जो होता है वो ओपन साइज़ बोला जाता है, जिसमें आगे का पीछे का सीलिंग एरिया सब कुछ आ जाता है। तो आपको साइज़ बतानी है और पाउच टाइप कैसा बनाना है। अब ये प्रिंटिंग का आप देख सकते हैं, तो पाउच टाइप क्या बनाना है, 6 साइड बनाना है, 3 साइड बनाना है, बटरफ्लाई है, डी कट है, 50 mm सीलिंग ऊपर लेना है, स्टैंड अप बनाना है, जीपर बनाना है, 3 साइड बनाना है, सेंट्रल सील बनाना है। चौथा फैक्टर होता है कि थिकनेस क्या चाहिए। जैसा हमने बताया, 2 लेयर में पॉलिशर 12 माइक्रोन फिक्स है और एलडी चेंज होती है, वैसे 3 लेयर में 12 माइक्रोन पॉलिशर, 12 माइक्रोन मेटलाइज पॉलिशर और एलडी फिल्म की थिकनेस चेंज होती है, वो कितना पैक करना है। और उसके बाद एलडी की भी अलग अलग क्वालिटी आती है, हाई बैरियर पैकेजिंग फिल्म्स भी आती है। तो रिक्वायरमेंट होती है आपके प्रोडक्ट क्या पैक करना है उसके ऊपर से। और हम कॉस्ट तब तक नहीं देते जब तक हमें ये पूरा डिटेल आपकी तरफ से मिलता नहीं है। तो पूरा डिटेल मिलने के बाद ही कॉस्ट हम आपको दे सकते हैं। और हम हमेशा परफेक्ट बिजनेस में बिलीव करते हैं, क्योंकि परफेक्ट बिजनेस में जो बिलीव करता है, जो सोचता है और परफेक्शन पे काम करता है एवरीथिंग, वही बिजनेस परफेक्ट कर सकता है। कई लोग बोलते हैं, सर अप्रोक्सीमेट रेट बोल दीजिए। सर अप्रोक्सीमेट रेट बताने के लिए क्या धंधा भी भगवान बोलेगा कि आपका अप्रोक्सीमेट ही चलेगा। अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, परफेक्शन होता है। देखिए, प्रिंटिंग करने के बाद ये सैंपल को लेमिनेट करके हमने परफेक्टली चेक किया, परफेक्टली देखा कि ये आपका मटेरियल परफेक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि परफेक्ट बनेगा तो ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हम तो पैसा लेके काम करते हैं, पैसा हमने उनका 4.25 लाख रुपया ले लिया, अब उनमें कुछ गड़बड़ करेंगे तो नुकसान किसका जाएगा। दोस्तों, यही होता है परफेक्शन। हमें पहले से विजुलाइज करना पड़ता है कि आपका मार्केट में जाने के बाद वो कैसा दिखेगा। ये सिलेंडर से प्रिंटिंग हो रहा है, सिलेंडर सिलेंडर का सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सप्लायर ये चीज़ को नहीं समझ सकता है तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिल सकती जो आपको चाहिए। आपकी एक चाहत होती है, आपकी ब्रांड जब मार्केट में जाती है तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़े, आपका नाम हो और आप ग्रो करें, ये आपकी चाहत होती है, साथ में हमारी भी चाहत है। और इसलिए हम सिर्फ परफेक्शन में बिलीव करते हैं और परफेक्शन में काम करते हैं और परफेक्टली रहते हैं, और साथ में ईमानदारी और एथिक्स, सिद्धांत, पवित्र प्यार और वो सब चीज़ें तो सर एक इंसान के गुण में होता है, उसके अंदर उसकी सोच होती है। चोरी करना, ठगाई करना, किसी का उठा लेना, किसी की ब्रांड कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, वो हमारा काम नहीं है, ना करते हैं, ना हम किसी का ब्रांड लेते हैं, ना हम किसी का कुछ भी नहीं। आजकल बहुत सारा ऐसा चल रहा है, क्योंकि लोगों को लगाई लगाई बनी बनाई मेहनत है, सीधी उठा लेंगे तो वो आगे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका आत्मा तो जानता है, आपका आत्मा जो होता है वो परमात्मा होता है, और आत्मा परमात्मा समझता है कि आप चोर हैं, आप सही नहीं हैं, आप ठग हैं, आप गलत कर रहे हैं। बहुत कस्टमर का कॉल आता है, सर 1 लाख रुपया भेज दिया है, अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो ऐसे भी प्रिंटर है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। ढूंढना आपको है कि सच्चा कौन है, अच्छा कौन है, ईमानदार कौन है, और वही सप्लायर आपको चूज़ करना है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, आपके ब्रांड के लिए मेहनत करे। ये एक एक सैंपल, एक एक प्रिंटिंग होता है, तो उसके सामने पूरा एक एक चीज़ को समझ के और परफेक्टली करना पड़ता है। एक्सपीरियंस होता है, वो हेल्प करता है। हमारा एक्सपीरियंस आपकी प्रोडक्ट को निखार लाने में, डेवलप करने में आपको हेल्प करता है, और यही जो हेल्प होती है वो ही आपको ग्रो कराती है। दोस्तों, आइए जुड़िए। आनंद शर्मा जैसे हमारे से खुश हुए, मीत से बात करके वो खुश हुए, आज की युवा पीढ़ी आगे आ रही है, उनको सपोर्ट करते हैं और सच्चाई से, ईमानदारी से काम करने वाले के साथ जुड़ते हैं, तो अपनी ब्रांड का ग्रोथ, अपने ब्रांड का डेवलपमेंट, अपने ब्रांड का विकास अपने आप होना है। हम सच्चाई से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो ग्रोथ तो होना ही है। तो यही देखो, ये कलर जो प्रिंट हो रहा है, तो वो लेकर क्या होता है, गोल्ड गोल्ड पेस्ट, गोल्ड लेकर, सर एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वाइट का सिलेंडर, वाइट प्रिंटिंग। तो आइए जुड़ते हैं और हम साथ मिलकर हमारे बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। आपका ग्रोथ हमारा ग्रोथ है, और हम सब मिलकर अगर ग्रोथ करेंगे तो ग्रोथ विकास पक्का है, साथ में हमारे देश का भी विकास होगा, क्योंकि हमारी ब्रांड डेवलप होती है, हमारी ब्रांड आगे जाती है, हम जीडीपी में योगदान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम हमारा काम निष्ठा से, प्यार से, सच्चाई से निभाएंगे। आप भी जुड़िए, और बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स हमारे से जुड़ रहे हैं और साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन आएगा जहाँ बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।